हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं 9 ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। चलिए एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स कहे गए हैं, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, और ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से कह रखा है, लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए, और ये जब आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। एक और रूल जो आपको समझना है वो ये है कि आप जब भी अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, अपने आप को एज एन अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के परस्पेक्टिव सोचे। ऐसा करने से आपको इजिली पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन कही गई है, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोहन लाल फॉर ₹25,000, सेंट अ पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड 200 एज कार्टेज। तो वीपीपी को समझे कि वीपीपी क्या है। तो वीपीपी होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। वैल्यू पेबल पोस्ट क्या होती है, जब सेलर हमें गुड्स बेचता है थ्रू पोस्ट तो उसे हम कहते हैं वीपीपी। तो 25,000 के गुड्स हैं और 200 रुपए एज अ कार्टेज, मतलब एज अ कैरेज हमने पे करे हैं, तो इसकी एंट्री सिंपल होगी। तो आप पता चल रहा है कि बिजनेस ने परचेज करी है, कोई कैश में परचेज करी है, तो इसके सबसे पहले क्या, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिखिए 25,000 की परचेज करी है, 200 का कार्टेज था, तो टोटल अमाउंट आया 25,200। इसके बाद इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2, रिसीव 1000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 5000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर। तो 1000 रुपीस क्या हुए हैं कि रिसीव हुए हैं ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के, 5000 रुपीस रिसीव हुए हैं बिजनेस को ओल्ड चेयर को बेच के, जो पुरानी चेयर पड़ी थी बिजनेस में उन्हें बेच के। तो ये देखिए बिजनेस पैसा आया ये तो हमें पता चल गया। अब जो सेल हुई है ना ओल्ड न्यूज़पेपर को, इसे हम बोलेंगे मिसलेनियस इनकम, और चेयर को हम बोलेंगे फर्नीचर। तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल हुई है, तो ये होता है मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम जब इंक्रीज होगी पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दिए, तो मिसलेनियस इनकम टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में कैसे आएगा, 6000 डेबिट साइड आएगा, मिसलेनियस इनकम में लिखे 1000 और फर्नीचर में लिखे 5000। तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। सब मतलब एंट्री को मैं समझा देता हूँ आपको कि कैश में हमारे पास 6000 आया, किस तरीके से 60000 बिजनेस के पास आया, 1000 रुपये आया अखबारों को बेच के और 5000 रुपये आया चेयर को बेच के। चलिए आई होप आपको समझ में आई होगी सेकंड एंट्री। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमें कह रही है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड कॉस्टिंग ₹7,000। तो गुड्स को चैरिटी में दिया गया है 7000 रुपए गुड्स को। तो चैरिटी एक तरह का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब गुड्स दिए गए हैं तो मतलब क्या हुआ, स्टॉक हमारा कम हो गया, मतलब जो हमें परचेज कर रखी थी वो कम हो गई। तो परचेज जब कम होती है तो पर्टिकुलर चीज को क्या कर दीजिए, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 7000 डेबिट साइड और 7000 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब करते हैं इसकी ट्रांजेक्शन नंबर 4, जो कि रिसीव कैश फ्रॉम डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर 20,000। तो पिछले साल के कुछ बैड डेट्स थे जिन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, पर इस साल उन्होंने पैसा दे दिया, तो इसे बोलते हैं कि बैड डेट्स क्या हो गए, रिकवर हो गए। बैड डेट्स रिकवर एक तरह की इनकम है, जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करेंगे, और साथ ही बिजनेस के पास कैश आया, कैश एक तरह का एसेट है, जब एसेट इंक्रीज हो जाता है पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे। जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसके नरेशन लिखिएगा। आप करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। साफ पता चल रहा है कि सेल हुई है, वो भी उधार में सेल हुई है, बता रखा है 20% के प्रॉफिट पे सेल हुई है। तो इसकी एंट्री सिंपल ही होगी, इसकी एंट्री क्या होगी कि उधार पे सेल हुई, अशोक हमारा क्या है, डेटर है, डेटर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 50,000 ही आएगा, अमाउंट के कॉलम में आएगा 60,000 डेबिट साइड, 60,000 क्रेडिट साइड। 60,000 क्यों आएगा, 50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे आप तो 10,000 आएगा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ हमें, तो एक्चुअल सेल जो हुई है बिजनेस में 60,000 की हुई है। इसके बाद आप नरेशन लिखिए। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 हमें कह रही है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 1,40,000। तो फिर से सेल हुई है, अब की बार 1,00,000 के गुड को 1,40,000 में बेच दिया गया है। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी, इसकी जो जनरल एंट्री होगी, बिजनेस में कैश आया, क्या है, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 1,40,000 डेबिट साइड, 1,40,000 क्रेडिट साइड। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 हमें कह रही है प्रोवाइड 50% एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ ही क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट क्या हो, कैपिटल में जो जब कैपिटल पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल में एड डाउन हो जाएगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी ना, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो कैपिटल को आपको क्रेडिट करना है टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिखिए 50,000 डेबिट साइड 50,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसके नरेशन लिखिए। अब करिए ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो कि पेड रेंट फॉर बिल्डिंग 60,000 बाय चेक, हाफ ऑफ बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंस पर्पस। तो 60,000 रुपए चेक के थ्रू दिए गए हैं बिल्डिंग का रेंट के लिए, जिसमें से हाफ ऑफ द बिल्डिंग जो है ना वो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो वो ड्राइंग होती है। तो पर आधी ड्राइंग है, आधी क्या है, आधी वो अपने ऑफिस बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो उसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट पे किया, रेंट एक तरह का एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज हो जाएगा तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर रहा है, टू कैश अकाउंट। आप देखिए 60,000 था तो हाफ लिखा है कि हाफ पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो पेमेंट का भी आधा आधा कर दीजिए। तो रेंट उसमें 30,000 में डाल दीजिए, रेंट पे 30,000 डाल दीजिए, और ड्राइंग में भी 30,000 डाल दीजिए, और बैंक में आ जाएगा 260,000, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो बैंक आपको यूज करना होगा और 60,000 बैंक के थ्रू आप मेंशन कर देंगे। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वही होती है जो एक तरह का कर्ज बन जाता है, मतलब सैलरी का बिजनेस टाइम टू टाइम पे कर रहा है, वो खर्चा है, बट उसने एक महीने की स्किप कर दी, एक साल की स्किप कर दी, किसी महीने की स्किप कर दी, तो वो कर्ज बन जाती है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, ऊपर से कर्ज भी इंक्रीज हो गया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिखिए 30,000 डेबिट साइड 30,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद इसके नरेशन लिखिए। आप कर दिए टोटल, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 398,200 और क्रेडिट साइड भी आएगा 398,200। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।